अब यहाँ पे कोई भी आप ले लो व्यूज, हर बार इसका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा फॉर्म में होएगा, एच सी बाई इलेवन और एच म्यू के फॉर्म में। ये हर बार इसका होल नंबर ही रहेगा, इसके मल्टीपल में रहेगा एच के। उसने ये भी प्रैक्टिकल में बताया कि हर बार ये जो क्वांटा है, उस क्वांटा की अगर आप एनर्जी लेनी है, डिफरेंट वेव है तो डिफरेंट क्वांटा है, तो उस क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी तो बताओ, उस क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी। निहार प्लीज यार थोड़ा पढ़ा ले, पढ़ने देना यार, तो दिक्कत है क्या तुझे। अब यहाँ पे है ना क्वांटा है, और सभी क्वांटा की एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच में। तो हमें इतनी बात पता चली कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में उसको वेव की तरह कंसीडर करेंगे तो छोटी लैम्ब्रा पे हम लोग उसका बिहेवियर नहीं समझा पाएंगे। मैक्स प्लैंक पिक्चर में आए और उसने बताया कि ये भाई वेव्स की तरह नहीं है, ये सभी जो इमिट हो रही है एनर्जी वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में है, और उस पार्टिकल की एनर्जी होती है कौन से फॉर्म में होती है, एच इंटू म्यू के फॉर्म में होती है, और ये कभी भी इसके अलावा नहीं होती है, एच म्यू ही होती है। ठीक है, सबने बोला ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी आ रही है उतनी एनर्जी आएगी, ई इज इक्वल टू एच सी बाय क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा। ओके, मतलब बात क्या हो गई, ये कंटिन्यूअस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। पहले एक क्वांटा, अगर सपोज आपकी ब्लैक बॉडी एनर्जी इमिट करिए, पूरी एनर्जी इमिट करिए, तो हर बार वो एन इंटू एच म्यू होगा, वो एन नंबर्स में होगा। इसका मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स में क्या कर रही है, एनर्जी को इमिट कर रही है, ये कंटिन्यूअस इमिट नहीं कर रही है। चलो हम लोग इसके लिए थोड़ा वीडियो देखने की ट्राई करेंगे, क्या बोलते हो, यस और नो, देखेंगे ना वीडियो। हाँ यस सर, यस सर। 13 मिनट है क्या हमारे पास, 13 मिनट है, यस सर है, 15 है, 15 मिनट। हाँ चलो 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 चलो, फिर अगर नहीं समझ में आया तो हमें पत्ते का कलर ग्रीन से जो रोशनी आ रही है उनमें ज्यादातर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सुनाई दे रहे हैं ना सबको, यस सर। और दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा ब्लड दिख रहा है लेकिन इट्स ओके, समझ में आएगा। वो व्हाइट लाइट है, और हम ये जानते हैं कि व्हाइट लाइट में कितनी रोशनियां होती हैं, 7 रोशनियां होती हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो जब वो ये वाइट लाइट जब इस पत्ते के ऊपर पड़ती है तो सारी रोशनियां जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सिर्फ एक लाइट जो कि ग्रीन होती है वो रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंचती है, इसलिए इस पत्ते का जो कलर है वो हमें ग्रीन नज़र आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी कलर कैसे नज़र आता है, मतलब कि जिस कलर की रोशनी उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुँच रही है, हमें उस चीज़ का कलर वही नज़र आता है। इसी तरह अगर आप अंधेरा कर दें तो आपको इस पत्ते का कलर जो है वो नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि इससे कोई भी रोशनी रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही होगी। इसी तरह मैंने यहाँ पे आपको 3 जो है वो गेंदे दिखाई हुई है, ये वाली गेंद जो है वो हमें वाइट नज़र आ रही है, ये वाली हमें रेड नज़र आ रही है, और ये वाली हमें ब्लैक नज़र आ रही है। ये वाली हमें वाइट इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि इससे विजिबल लाइट की जितनी भी रोशनियां हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंच रही हैं, मतलब कि ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो जितनी भी रोशनियां हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंच रही हैं, तो इसलिए हमें ये बाल जो है वो वाइट नज़र आ रही है। और इसी तरह ये वाली जो बाल हमें रेड नज़र आ रही है, ये हमें रेड इसलिए नज़र आ रही है कि इसके ऊपर जितनी भी रोशनियाँ पड़ रही हैं उससे सिर्फ रेड लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुँच रही है, इसलिए हमें इसका कलर जो है वो रेड नज़र आ रहा है, और इसका कलर जो है वो हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर जितनी भी विजिबल लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कर रही हैं वो सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हैं और कोई भी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हम तक नहीं पहुंच रही, इसलिए ये जो है वो हमें ब्लैक नज़र आ रही है। तो ये जो विजिबल लाइट्स हैं जिनकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, जिनकी वजह से हमें चीज़ों के कलर नज़र आते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स के अलावा और भी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मौजूद हैं,
जो कि हमें नजर नहीं आती क्योंकि वो इनविजिबल टू ह्यूमन आई है। उनमें क्या कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, एक्स रेज हैं और गैमा रेज हैं। तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है विजिबल स्पेक्ट्रम वाला, सिर्फ इसकी वजह से हम देख पाते हैं। और सूरज से इस टाइम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम तक पहुंच रही है उनमें ज़्यादा हिस्सा ये विजिबल लाइट का ही है, इसलिए हम चीज़ों के कलर्स को और चीज़ों को देख पाते हैं। तो मैक्सवेल ने हमें ये बताया था कि ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन सब की जो स्पीड है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वो सेम है वैक्यूम के अंदर, और इनकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3×10^8 m/s। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये एक दूसरे से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पे देखें रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है, और इसी तरह गैमा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आपको बॉडी दिखाई हुई है, ये इसको जो है वो हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है अगर उसके ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप गिराएं तो वो उन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसी बॉडी जो सारी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। वैसे तो ब्लैक बॉडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो है वो हम ब्लैक बॉडी की बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरह की हम बॉडीज जो हैं वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर आप इस ब्लैक बॉडी के अंदर देखें तो ये जो है वो आपको ब्लैक कलर की नज़र आएगी क्योंकि ये कोई भी रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन है वो सारी की सारी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो वो रेडिएशन को एमिट भी करती है। अब देखिए सपोज करें कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर वो टी हो तो ये टी टेम्परेचर के ऊपर ये रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रही है और ये रेडिएशन को एमिट भी कर रही है। ये जो है वो अपने सराउंडिंग है वो इंफ्रारेड की रेंज में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखें मैंने आपको ये दो बंदे दिखाए हुए हैं, ये जो पिक्चर है ये हमने इंफ्रारेड कैमरा से ली हुई है कि इनमें इनका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो बॉडीज़ हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रही हैं वो इंफ्रारेड हैं। और इस कैमरे में जो मीन्स के पूरे का पूरा क्या है, रूम क्लोज है, रूम टेम्परेचर पे आईआर से ही फोटो लिए, आईआर इंफ्रारेड से। आपको ये देखें जो ब्लू ब्लू चीज़ नज़र आ रही है इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें ठंडी हैं, और ये जो रेड रेड चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो गर्म हैं। तो इसी तरह कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट कर रही होती है, और जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है वो डिपेंड करती है उस बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर और उस बॉडी के सरफेस के ऊपर, उसके सरफेस एरिया के ऊपर। लेकिन ये है कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो जो रेडिएशन एमिट करती है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो अब यहाँ पे देखें कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही हैं उनका जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह का। अब यहाँ पे देख लें कि ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इस केस में इंफ्रारेड रेंज में है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 3000 केल्विन है। और इसी तरह आप इस डायग्राम से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता रहता है। और देखो ये जो है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले 3000 केल्विन पे करो तो आपको आईआर की तरह दिखेगा वो, ठीक है, आईआर जो आप देख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया 4000 केल्विन पे ले गए तब वो कौन सा कलर दिखाएगा आपको, येल्लोइश कलर दिखाने लगेगा। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब वो आपको कौन सा कलर दिखाएगा, ब्लूइश कलर दिखाएगा। कहने का तरीका ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके जो एटम्स होते हैं ब्लैक बॉडी के वो ऑसिलेट करते हैं, और वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं वेव्स को, लेकिन वो कंटिन्यूअसली फॉर्म में नहीं होते, वो ब्रेक डाउन होते होते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करने के ऊपर जो वो बॉडी है वो आपको वाइट हॉट नज़र आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक आयरन का पीस दिखाया हुआ है, तो हम इसको हीट अप कर रहे हैं, तो हीट करने से इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो हमारा विजिबल की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये देखें
ये आपको इसका ऐसा ऐसा कलर नजर आना शुरू हो जाएगा, और अगर आप इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो ये आपको वाइट हॉट नज़र आना शुरू हो जाएगा। वाइट हॉट इसलिए आपको ये नज़र आएगा क्योंकि ये फिर विजिबल रेंज में जितनी भी रोशनियाँ हैं वो सारी की सारी रोशनियाँ ये एमिट करेगा। तो चलें अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम एक सॉफ्टवेयर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं जिसको हम फैट सिमुलेशन कहते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर है फैट सिमुलेशन। अब हम इससे ब्लैक बॉडी से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो तो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही My name is Abhinandan Sarkar and I serve as the academic director. ज़्यादा कम होती है, और जिस तरह जिस तरह हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती रहती है। यहाँ पे देखें कि ये इसको हम बता सकते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन फार्मूला से। ये देखें, इंटेंसिटी का जो ताल्लुक है वो टेम्परेचर की 4 पावर के साथ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो आपकी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रही होंगी, वो 4 गुना बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें कि इंटेंसिटी का टेम्परेचर से ये ताल्लुक है कि अगर हम टेम्परेचर को ये कहना बढ़ाते है हैं कि तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। आई और यूज इसी तरह एक और चीज़ भी कंट्रोल नोट सिग्मा करें, इनटू टू यहाँ पे स्पेस देखें कि जो पॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो पीक है वो इस वेवलेंथ के ऊपर है। लेकिन अगर मैं और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दूं तो आप ये देखें कि ये जो पीक है इसकी, ये विजिबल स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये हमें बताता है ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ पे ये देखें ये क्या लिखा हुआ है कि अगर लेमडा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो पीक होगी, मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो और निकल डिग्रे रही ऑफ होंगी लाइट वो ऑल्सो। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट। जिस तरह आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो आपका रेडिएशन जो निकल रही है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो आई शॉर्टर डोंट वेवलेंथ की तरफ नो, शिफ्ट हो रहा जैसे है। जैसे टेम्परेचर अब यहाँ पर बढ़ाओगे, देखो 1000 ब्लू ब्लू केल्विन आ तक रहा है, होता समझ है। रहे हो बात, कितना होता है? 3000 क्या हो 3000 जाएगा। केल्विन तक होता है। अब तो जैसे यहाँ पे जैसे देखें जो कि उस लैम्ब्डा बल्ब लाइट में से स्केल जो कम होती ज्यादा, जाएगी, मतलब कि एक बल्ब, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही होती है वो। बहुत बस इनफ है इनफ है। हमें तो सिर्फ इतना याद रखना था कि ऐसा होता है, तब हम इसको क्या करने वाले बच्चों, तब हम इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम। इसकी जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में निकलती है भाई बच्चों, क्वांटम के फॉर्म में निकलती है। ये नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी वेव के फॉर्म में डाल रहे हैं, वो क्वांटम के फॉर्म में डाल रहे हैं, ठीक है, यस और नो। तो उस क्वांटम को हम लोग क्या बोलने वाले थे, ई इज इक्वल टू एच म्यू। अगर यही फिनोमिनल आप क्लासिकल फिजिक्स से समझाते हो तो वो रॉन्ग था। तो प्लैंक आया और प्लैंक ने क्या बताया, ब्लैक बॉडी में से जो भी रेडिएशन निकल रही है, ओके, ब्लैक बॉडी में से जो भी रेडिएशन निकल रही है वो क्या होती है, वो बताओ अच्छे से, वो एनर्जी के क्वांटा के फॉर्म में फॉर्म में। पैकेज। यस, कौन से फॉर्म में बच्चों, क्वांटा के फॉर्म में बताया, ओके। चलो अगर आपको किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। और हर बार एनर्जी इज इक्वल क्या आएगा, एच म्यू, एंड म्यू विल बी द फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर, यस और नो? यस यस सर। सर चलो और बताओ क्या करना है। चलो ओके, तो इसी फिनोमिनन से फिर आइंस्टाइन ने ये देखा, और आइंस्टाइन ने फिर आगे जाके इसी के ऊपर से कौन से दी, यार अगर ऐसा है तब तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझा पाऊंगा। अब वो क्या, वो हम लोग कल देखेंगे, लेकिन आपको ब्लैक बॉडी 2 बार लिखना है और 3 बार पढ़ना है, और ट्राई करनी है जितनी भी आपको समझ में आ जाए वो, ठीक है। सो ब्लैक बॉडी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन डालोगे तो पूरी की पूरी इमिट करेगा, या फिर ये पूरी की पूरी क्या करेगा, रिलीज करेगा, इमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैक बॉडी। उसका पूरा रेडिएशन हमने देखा, उससे हमें ये पता चला कि ये तो क्वांटा है, क्वांटम। और अब हमें पता चला कि जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उस पार्टिकल्स को हम क्या नाम देंगे, इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी, और उसको हम लोग नाम देने वाले हैं क्वांटा। पूरे बंच है तो क्वांटा, अगर सिंगल है तो क्वांटम, और सिंगल है क्वांटम तो इज इक्वल टू एच इनटू म्यू। आई बात समझ में?
यस सर यस सर चलो भाई इतना है उसका सर पूरा ये मतलब सिंगल पार्टिकल के लिए है h इज इक्वल टू है हाँ h इज इक्वल हाँ टू ये सिंगल फोटोन के लिए सिंगल के लिए ओके सर बंच करना है तो इसको इनटू एंड कर देना है ठीक है ओके ओके चलो एंड करता हूँ मीटिंग दो बार लिखना है दो बार पढ़ना है लाइन टू लाइन ना हो पाए दिक्कत नहीं है समझना जरूर है नहीं समझना है तो कल वापिस बोलो वापिस चलाओ नहीं सर आया